आखिरकार अलविदाई घड़ियां आ पहुंची, अयाम मादूदात गिनती के चंद दिन इख्तिताम को पहुंचे। इन अयाम में जो भी नेकी का काम हुआ वो अल्लाह की तौफीक से हुआ। इस माह में कोई भी नेकी हम अगर कर सके तो उस पर किसी किस्म का कोई गुरूर दिल में नहीं आना चाहिए, किसी किस्म का कोई तकब्बुर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों के बारे में आता है, वल्लदीना युतूना मा आतौ वकुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। और जिनका हाल यह है कि वो अल्लाह की राह में देते हैं जो कुछ भी वो दे सकते हैं, फिर भी दिल उनके इस ख्याल से कांपते रहते हैं कि हमें अपने रब की तरफ पलटना है, यानी उनका हम व गम आखिरत होती है। वो ये नहीं देखते कि उन्होंने आज दुनिया में क्या अचीव किया, क्या कमाया, वो इस बात की फिक्र करते हैं कि उनके साथ कल क्या बनेगा। मेहनत और कोशिश के बावजूद इस एहसास के साथ कि हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, ऐसे में दिल से एक आवाज आती है कि ऐ रब तू हमारे आमाल को न देख, अपनी वसी रहमत को देख, तू हमें अपना कुर्ब हमारी इबादत की वजह से नहीं अपने कर्म की बदौलत अता फरमा, तू अपनी इबादत को हमारी आंखों की ठंडक बना, हमें इखलास की दौलत से नवाज और बगैर हिसाब के बख्श दे, क्योंकि तू वासिल मग़फ़िरा है। इस रमजान में जो कुछ हो सका वो खास तेरी इनायत की वजह से था, और जो न हो सका वो सरासर हमारी अपनी कोताही और गफलत की वजह से था। बहरहाल जो कुछ हुआ सपुर्दम बतू माया खेशरा, तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मैं अपना हकीर सरमाया तेरे सपुर्द करता हूँ, हिसाब की कमी बेशी को तू खूब जानता है। या रब हमें आइंदा तमाम जिंदगी के लिए सिरात मुस्तकीम पर जमाए रखना और कभी भी नेकी के मौके से महरूम न रखना।